तो हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत और आज है हमारी 30 डेज ऑफ मशीन लर्निंग में डे नंबर 23 की क्लास। आप लोग को मेरी वॉइस, ऑडियो की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी, इंटरनेट स्पीड, सारी चीज़ें क्लियर हैं तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बता दें। आज के क्लास से हम लोग स्टार्ट करने वाले अपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को। और जैसे कि मैंने बताया था, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास पढ़ी थी, डे नंबर 22 की जो क्लास पढ़ी थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट क्लास से हम लोग थोड़ा सा एडवेंचर एक्टिविटीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। इसका कहने का मतलब ये था कि हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को स्टार्ट करने वाले हैं आज की क्लास से। तो जब भी हम लोग मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की बात करते हैं, और कभी भी आप यदि अपने कॉलेज के सिलेबस में, करिकुलम में, या पहले कभी भी आप यदि मशीन लर्निंग को पढ़ना स्टार्ट किए होंगे या एल्गोरिथम को पढ़ना स्टार्ट किए होंगे, तो आप सबसे पहले जो एल्गोरिथम पढ़ते हैं वो है लीनियर रिग्रेशन का एल्गोरिथम। तो हम लोग आज जो टॉपिक पढ़ेंगे हमारे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम में, और थोड़ा यहाँ से मैथमेटिक्स भी स्टार्ट होगा, और थोड़ा सा यहाँ पर आपको एडवेंचर इसलिए लगेगा क्योंकि इसको करते करते ना आपको बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा फील होने वाला है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ना जो डेटा है ना उसको आप विजुलाइजेशन करके देखना भी स्टार्ट करेंगे, और उस डेटा को के साथ हम लोग यहाँ पर ना उसको जिस हिसाब से हम लोग उसमें मॉडलिंग करना चाहते हैं, जिस हिसाब से हम लोग उसमें एल्गोरिथम यूज करना चाहते हैं, वो भी काम यहाँ से जो है स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास से हम लोग जो है हमारे एल्गोरिथम को स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोग जो भी मुझे देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में मुझे एक बार बता दें, आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लीनियर रिग्रेशन को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा समय न लेते हुए आज की क्लास को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। जो है हमारा पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, वो है हमारा आज की क्लास में लीनियर रिग्रेशन। तो देखो, आज हम लोग जो पढ़ेंगे ना लीनियर रिग्रेशन, तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ हम लोग ना इसके जो बेनिफिट्स हैं, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं, टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन कितने तरह के होते हैं, ये भी हम लोग देखेंगे, जिसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। पहले सिंपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, फिर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन देखेंगे, और फिर उसके बाद पॉलीनोमियल लीनियर रिग्रेशन, और भी कई सारे रिग्रेशन मॉडल्स होते हैं, वो भी हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखेंगे। लेकिन मैं ना कुछ चीज़ आपको ना यहाँ पे रिविजन कराना चाहता हूँ। अब आपको याद होगा जो प्रीवियस क्लासेस है, ठीक है, उस प्रीवियस क्लासेस में जो अब जब मैंने स्टार्ट किया था मशीन लर्निंग को, तब मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। ठीक है, मैं एक बार आपको यहां पे बताता हूं लीनियर रिग्रेशन को सबको चालू करने से पहले कुछ चीज हम लोग यहां पे रिवाइज करते हैं। सबसे पहले चीज आप याद करिए, मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मशीन लर्निंग, टाइप ऑफ मशीन लर्निंग की बात किए थे हम लोग। अब जब ये टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कर रहे थे ना, तब मैं आपको यहां पे बताया था कि मशीन लर्निंग के जो टाइप्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। ठीक है, पहला होता है आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दूसरा होता है आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और एक होता है आपका थर्ड नंबर सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग। अब मैंने आपको तीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप बताए थे, आपको याद भी होगा जब हम लोग मशीन लर्निंग स्टार्ट कर रहे थे ना, तभी मैंने आपको बताया था टाइप ऑफ मशीन लर्निंग कितने तरीके के होते हैं। अब जो सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है ना, ये सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग में ना क्या होता है कि जस्ट ए मिनट, सुपरवाइज मशीन लर्निंग में ना दो चीज होती है, एक होता है आपका रिग्रेशन, एक होता है आपका रिग्रेशन, और दूसरा होता है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्या है, जब मैं बात कर रहा हूं लीनियर रिग्रेशन की, ठीक है, तो लीनियर रिग्रेशन ना सुपरवाइज्ड, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लीनियर रिग्रेशन आपको शो हो रहा है, यहाँ पर आप देखिए रिग्रेशन नामक वर्ड आ रहा है यहाँ पे सुपरवाइज्ड के अंदर। तो लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल होता है, जिसमें हम लोग इसी जो आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो आपको टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में कभी भी पूछा जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन किस तरीके की मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है, तो आप बताएंगे सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग की प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्यों? क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है, कभी भी हम लोग लीनियर रिग्रेशन या फिर सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग रिग्रेशन की बात करते हैं, क्योंकि इसका जो आउटपुट होता है वो हमेशा न्यूमरिक होता है। इस तरीके की जगह में हम लोग लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे यूज करते हैं, और लीनियर रिग्रेशन यूज होता है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर। तो पहली चीज आप यहाँ पे जान गए। अब लीनियर रिग्रेशन होता क्या है, व्हाट इज ए लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, किसके अंदर होता है, सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर होता है। ये जो आपको रिग्रेशन की हम लोग जहां तक पहुंचे थे ना, इसी को मैंने आपको एक बार भी रिवाइज कराया है। अब आप समझो, अब मैं बात क्या किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ व्हाट इज ए लीनियर रिग्रेशन, लीनियर रिग्रेशन होता क्या है। लीनियर रिग्रेशन इज एन एल्गोरिथम दैट प्रोवाइड्स ए लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल टू प्रिडिक्ट द आउटकम ऑफ फ्यूचर इवेंट्स। हमारे पास ना एक इनपुट और आउटपुट जो हमारा डेटा होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, जब उस डेटा को ड्रॉ करते हैं, तो वहां पर ना एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट दो वेरिएबल होते हैं,
उसको क्या होता है अभी स्केच करके आपको बताता हूँ, वहां पर ही हम लोग ना एक लीनियर रिलेशनशिप को स्टेब्लिश करते हैं, उसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। इसको आप डायग्राम के थ्रू समझिए, इट इज अ स्टैटिकल मेथड यूज इन द डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग फॉर प्रिडिक्टिव एनालिसिस। प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए हमेशा लीनियर रिग्रेशन यूज होता है, लीनियर रिग्रेशन टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग होता है। अब देखो जो मैं आपको बात बता रहा था डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जो मैं बात कर रहा था आपके साथ, तो यहाँ पर आप देखेंगे इस डायग्राम में ये है मेरे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, और ये है मेरे पास डिपेंडेंट वेरिएबल। अब मान लीजिए मेरे पास y की यदि मैं वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ 1, ठीक है, और यहाँ पे x की वैल्यू में डालता हूँ 1, तो यदि y मेरा मान लीजिए ये इनपुट है, ठीक है, y मेरा मान लीजिए इनपुट है और ये मान लीजिए मेरा आउटपुट है, ये मान लीजिए मेरा आउटपुट है। यदि मैं यहाँ पर y की वैल्यू डालूंगा, इनपुट डालूंगा, तो यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग मेरे को आउटपुट मिलेगा, दो कॉलम्स मेरे पास रहेंगे। इसी तरीके से जो प्लॉट होते जाता है, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं और एक डिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल ये क्योंकि वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर डिपेंड है, जब मैं वाई की वैल्यू डालूंगा 1, तब मैं इसकी अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू भी यहाँ पे पुटअप करूंगा। अब जब मैं पुटअप करूंगा ना, तो मेरा डेटा इस तरीके से शो होगा, जैसे आप देख रहे हैं ये डेटा के मेरे पॉइंट्स हैं। अब इस डेटा के पॉइंट में मैं क्या करूंगा, एक रिलेशनशिप ड्रॉ करूंगा जिसको हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन बोलते हैं। यही होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन का काम, कि हम लोगों को ये जो पूरा डेटा प्लॉट होता है ना, उसमें से एक रिलेशनशिप फाइंड करनी होती है जो हमारा प्रेडिक्टिव एनालिसिस में काम होती है। यही काम होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन का। तो डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज ए नथिंग, इट मींस कि हमारे पास दो कॉलम्स होते हैं, दो कॉलम्स में एक इनपुट कॉलम होता है, दूसरा आउटपुट कॉलम होता है, उसको हम लोग यहाँ पे प्लॉट करते हैं, जो एक दूसरे के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की तरह यहाँ पे काम करते हैं, इसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोलते हैं। और टाइप ऑफ मशीन लर्निंग के अंदर जो सुपरवाइज्ड जो मशीन लर्निंग मॉडल होता है, उसी के अंदर हम लोग रिग्रेशन यूज करते हैं। और लीनियर, और ये कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉल्व करता है। अब यहाँ पे देखिए आप इस फिगर में, यदि इस फिगर में हम लोग एक्स एक्सिस की बात करें, तो ये एक्स एक्सिस क्या है, यहाँ पे डिपेंडेंट आउटपुट है, ठीक है, ये आपका इनपुट है, माफ करिए, ये जो है आपका, यहां पर देखिए मेरे स्क्रीन पे क्या लिखा हुआ है, एक्स एक्सिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो एक्स एक्सिस है हमारा कौन सा वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। वाई एक्सिस मेरा कौन सा है, यहाँ पे आउटपुट है और डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये जो है मेरा आउटपुट है, ठीक है, ये मेरा यहाँ पे क्या इनपुट है, और ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट, ये थोड़ा सा एक्स और वाई एक्सिस का जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट है वो रिवाइज वर्सा लिखा गया है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे करेक्ट लिखा हुआ इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वाई जो है, ठीक है, और ये जो आपका कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसको हम लोग एक काम करते हैं यहाँ पर करेक्ट भी कर लेते हैं अपने नोट्स के अंदर जाके। अकॉर्डिंग टू डायग्राम की बात करें तो एक्स मेरा क्या है यहाँ पर, एक्स मेरा इनपुट है और ये क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये कौन सा है मेरा यहाँ पे वाई, देखिए वाई में क्या लिखा हुआ है यहाँ पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इसको हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही लेके चलते हैं जैसे कि डायग्राम में लिखा हुआ है, ठीक है। और लाइन ऑफ रिग्रेशन क्या है, देखो लाइन ऑफ रिग्रेशन इज ए नथिंग, ये एक बेस्ट फिट लाइन है, ठीक है। लाइन ऑफ रिग्रेशन का दूसरा नाम भी यही होता है कि यदि मैं इस लाइन ऑफ, इस जो लाइन प्लॉट कर रहा हूँ इस डेटा के बीच में ना, तो यहाँ पर क्या है बेस्ट फिट लाइन फॉर मॉडल, कि कौन सी लाइन सबसे ज़्यादा फिट है इस पूरे मॉडल के लिए, तो इसको बेस्ट फिट लाइन ऑफ मॉडल भी बोलते हैं, जिसको हम लोग लाइन ऑफ रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। अब भाई यहाँ पर सबसे मेन बात यह है कि ये जो लीनियर रिग्रेशन है ये यूज़ किया क्यों जाता है, ठीक है। अब आपको प्रिडिक्टिव एनालिसिस के लिए यूज़ होता है, हम लोग ये चीज़ डिस्कस भी कर चुके हैं पहले, कि हम लोग यहाँ पे प्रिडिक्ट करते हैं किसी भी वैल्यू को। अब सबसे बड़ा चीज़ है कि इसका पोटेंशियल स्टैटिकल टूल जो है डेटा साइंस के लिए यूज़ होता है, और इसके बहुत बेनिफिट्स हैं। पहला सबसे और इम्पॉर्टेंट, इजी इम्प्लीमेंटेशन, बहुत ज़्यादा इजी होता है लीनियर रिग्रेशन। इसलिए मैंने कहा कि जब भी कोई भी आपको मशीन लर्निंग पढ़ाना स्टार्ट करता है, या फिर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स पढ़ाना स्टार्ट करता है, तो आपको पहला मॉडल यही पढ़ाया जाता है लीनियर रिग्रेशन, जिससे कि आप लीनियर रिग्रेशन को अच्छी तरीके से समझ सकें और उसको ईजी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन किया जा सकता है। दैट्स वाई आपका पहला जो लीनियर रिग्रेशन है, उसी से हम लोग यहाँ पर हमारे मशीन लर्निंग का जो एल्गोरिथम्स हैं उसको जो स्टार्ट करते हैं टॉपिक, उसमें हम लोग लीनियर रिग्रेशन से स्टार्ट करते हैं। और इसका जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि इजी इंप्लीमेंटेशन है इसका। द लीनियर रिग्रेशन मॉडल इज कंपोनेंशियली सिंपल टू इंप्लीमेंट एज दैट डज नॉट डिमांड ए लॉट ऑफ इंजीनियरिंग ओवरहेड्स नाइदर बिफोर द मॉडल लॉन्चिंग और ड्यूरिंग इट्स मेंटेनेंस। चाहे मेंटेनेंस की बात कर लूँ, या चाहे लॉन्चिंग की बात करूँ, चाहे इंप्लीमेंट की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा ईजी इसका इंप्लीमेंटेशन होता है, थोड़ी देर में आप देखोगे भी।
अब यहाँ पर बाकियों की कंपैरिजन में हो सकता है कि आपको ये भी टफ लगे, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में, क्योंकि यदि लाइन ऑफ स्लोप आपको पता है तो आपको बहुत इजी तरीके से, आप यहाँ पे मैथमेटिक्स बहुत ज़्यादा नहीं है इस टॉपिक में देखा जाए तो, बाकी हम लोग एडवांस में जो आगे पढ़ेंगे उससे कंपैरिजन में। लेकिन हम लोग यदि मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम की बात करें तो ये बहुत ही इजीली जो इम्प्लीमेंटेशन होता है इसका बहुत ही इजी होता है। दूसरा यहाँ पर स्केलेबिलिटी और इंटरप्रेटेबिलिटी। देखो क्या हुआ है कि यहाँ पर अनलाइक अदर डीप लर्निंग मॉडल या मशीन लर्निंग मॉडल या न्यूरल नेटवर्क्स की बात करें, लीनियर रिग्रेशन इज अ रिलेटिव स्ट्रेट फॉरवर्ड। एज ए रिजल्ट दिस एल्गोरिथम स्टैंड अहेड फॉर द ब्लैक बॉक्स मॉडल एंड दैट टॉल शॉर्ट इज जस्टिफाइड द इनपुट वेरिएबल कॉज द आउटपुट वेरिएबल टू चेंज। देखो कुछ नहीं है यहाँ पे, यदि मैं इनपुट और आउटपुट वेरिएबल की बात करूँ तो ये मेरा मान लीजिए इनपुट है और ये मेरा आउटपुट है। यहाँ पे मेरा डिफरेंट 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 टाइप के यहाँ पे डेटा मान लो प्लॉट है, ठीक है। ये कुछ एक्स एक्सेस के डेटा है, वाई एक्सेस के डेटा है, इस तरीके से मेरे पास कुछ कुछ डेटा यहाँ पे प्लॉट है। यदि मैं इन के बीच में एक यहाँ पर एक ऐसा रिलेशनशिप बिल्डअप कर दूँ जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के दोनों के बीच में स्टैंड करता है, और इसको इस तरीके से ब्लैक बॉक्स मॉडल, फॉल शॉर्ट मॉडल, जस्टिफाई जो हमारे इनपुट और आउटपुट वेरिएबल है ना उसके थ्रू भी यहाँ पर देखा जाता है, तो लीनियर जो है ये एक तरीके से ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, डायरेक्ट जो है वो आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इसका की बेनिफिट पॉइंट बोल सकते हो जो इसके लिए होता है। उसके बाद होता है आपकी बात होती है स्केलेबिलिटी की। देखो लीनियर रिग्रेशन मॉडल ना बहुत ही ज़्यादा ना यहाँ पर देखा जाए तो हैवी मॉडल नहीं होता है। क्या लिखा हुआ है, लीनियर रिग्रेशन इज नॉट कंप्यूटेटली हैवी एंड देयर फोर फिट्स वेल द केसेज वेयर स्केलिंग इज इजेंशियल। फॉर एग्जाम्पल द मॉडल कैन स्केल वेल रिगार्डिंग इंक्रीज डेटा वॉल्यूम बिग डेटा। देखो यदि डेटा बड़ा है, ठीक है, तो यहाँ पे ना हमारा मॉडल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होता है, इसको बहुत ईजी तरीके से ना यहाँ स्केलेबल किया जा सकता है। दैट्स वाई ये ईजी टू यूज़ होता है, दैट्स वाई ये स्केलेबल भी किया जा सकता है। अब मैंने जो आपको बताया था ना ये चीज़ आपको, अब आपको जब हम लोग एल्गोरिथम पढ़ना स्टार्ट कर दिए तो आपको ये डायग्राम को एकदम ध्यान से अपने दिमाग में रख लेना है कि कभी भी अब हम लोग मशीन लर्निंग मॉडल की बात करते हैं और हम लोग एल्गोरिथम पढ़ते हैं तो आपसे इंटरव्यू में अधिकतर पूछा ही जाता है कि आपके डेप्थ नॉलेज को देखने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई डेटा साइंस आप पढ़ के आओ तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हैं या नहीं है। तो यहाँ पर यदि मशीन लर्निंग की बात करूँ मैं तो यदि आपसे पूछा जाएगा कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल कौन सा है तो आप यहाँ पे बताएंगे लीनियर रिग्रेशन मॉडल सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल है। यदि आपको टाइप ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल क्लियर नहीं है तो आप वापस जाइए उस टॉपिक को, उस क्लास को देखिए, आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा और उसके बाद आप इसको जो है स्टार्ट करिएगा, क्योंकि अब मैं आगे से जो मॉडल्स पढ़ाऊंगा वो या तो सुपरवाइज्ड के होंगे या फिर अनसुपरवाइज्ड के होंगे, किसी ना किसी कैटेगरी के वो मॉडल होंगे, और वहां से आपके डेप्थ नॉलेज को चेक करने के लिए इंटरव्यूअर हमेशा ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखियो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग में पहला है आपका सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, दूसरा है आपका अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग, और तीसरा है आपका रीइन्फोर्समेंट लर्निंग, या फिर हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग भी यहाँ पर बोलते हैं। अब इसके ना दो चीजें होती हैं, एक होता है क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है रिग्रेशन। तो आप रिग्रेशन पे देख रहे हैं यहां पर आपको एक डॉट दिख रहा है और यहां पर एक ऐसा लाइन बना हुआ है, यही बेस्ट फिट लाइन है, और इसी के अंदर ही हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, वो सॉल्व करते हैं लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम। तो इस तरीके से आप यहां पर इस डायग्राम को ध्यान में रखिए, मशीन लर्निंग मॉडल जो है सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल का पार्ट होता है जिसमें हम लोग यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन के अंदर जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो हमारी कौन सी प्रॉब्लम होती है, लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम होती है जिसको हम लोग सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग के अंदर यहाँ पर यूज करते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन आपको सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग मॉडल होता है। अब बात करते हैं हम लोग टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन। देखो अभी हम लोग ने जो ऊपर डायग्राम देखा वो टाइप ऑफ मशीन लर्निंग का था, ठीक है। ये जो डायग्राम हम लोगों ने देखा ना ये टाइप ऑफ मशीन लर्निंग का था, एक मिनट इसको मैं सेटअप कर लेता हूँ। ये लीनियर रिग्रेशन के हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पर देखा था ये फ्लो डायग्राम जो देखा था ये मशीन लर्निंग में सुपरवाइज्ड अनसुपरवाइज्ड रीइन्फोर्समेंट या फिर से हम लोग सेमी सुपरवाइज्ड की बात कर रहे हैं और लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, ये था टाइप ऑफ मशीन लर्निंग। अब लीनियर रिग्रेशन के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप होते हैं, इसको आप देखिए यहाँ पर, और जिसको हम लोग एक एक करके पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यदि मैं बात करूँ टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन में तो पहला टाइप होता है इसका सिंपल लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, जिसको अभी हम लोग आगे चल के आज की क्लास में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। फिर होता है आपका मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन, और फिर उसके बाद अदर रिग्रेशन में जैसे पॉलिनोमियल रिग्रेशन, नॉन लिनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और ऑर्डिनल रिग्रेशन, मल्टीनोमियल लॉजिस्टिक रिग्रेशन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ रिग्रेशन होते हैं। हमको फोकस करना है यहाँ पे सिंपल लिनियर रिग्रेशन पे, मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन पे, पॉलिनोमियल रिग्रेशन पे, और साथ ही साथ एक होता है आपका
रिकॉग्नाइजेशन एक समथिंग कुछ होता है, वो भी मैं आपको आगे चल के बता दूंगा। ये होते हैं आपके टाइप ऑफ लीनियर रिग्रेशन, जिसमें सबसे पहले हम लोग आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे सिंपल लीनियर रिग्रेशन। तो चलिए हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं कि सिंपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, दोनों के बीच डिफरेंस क्या है। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की मैं यदि बात करूँ तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल लीनियर रिग्रेशन रिवर्स द कोरिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल इनपुट के लिए एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल आउटपुट के लिए। प्राइमली दिस रिग्रेशन टाइप डिस्क्राइब द फॉलोइंग रिलेशनशिप स्ट्रेंथ बिटवीन द वेरिएबल। देखो एग्जांपल की हम लोग बात करें तो यदि मैं टेम्परेचर की बात करूँ पॉल्यूशन लेवल पे, ठीक है, देखो द रिलेशनशिप बिटवीन पॉल्यूशन लेवल एंड राइज द टेम्परेचर। तो क्या होगा, जैसे जैसे हमारा पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा वैसे वैसे हमारा टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होते जाएगा। तो पॉल्यूशन लेवल क्या हो गया हमारा, पॉल्यूशन लेवल हो गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, हमारा इनपुट वेरिएबल हो गया। यदि मैं बात करूं, आप देखिए यहाँ पर यदि मैं एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस की बात करूं एग्जांपल के थ्रू आप देखेंगे तो एक हमारा पॉल्यूशन लेवल है। यदि हमारा पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज हो रहा है, यदि हमारा एक्स इंक्रीज हो रहा है और इसको मैं बोल रहा हूँ ये हमारा पॉल्यूशन लेवल है, ठीक है, लेवल है, और इसके ऊपर पूरे की पूरा एक्स जो है मेरा वो क्या है यहाँ पर इनपुट है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ डिपेंडेंट वेरिएबल बोल रहा हूँ। एक्स जो है मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये क्या है यहाँ पर इनपुट है। अब इस इनपुट पे पूरा के पूरा मेरा आउटपुट डिपेंडेंट है। जैसे कि मान लो पॉल्यूशन लेवल जैसे जैसे इंक्रीज होता जाएगा टेम्परेचर हमारा इन्वायरमेंट का क्या होगा इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पर ये मेरा टेम्परेचर हो गया, ये मेरा आउटपुट हो गया और ये मेरा क्या हो गया आउटपुट जो है मेरा यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और ये क्या हो गया यहाँ पे टेम्परेचर की बात हो रही है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं यदि एक जो मेरा इनपुट है वो पूरे के पूरे आउटपुट पर डिपेंडेंट होगा और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होगा दोनों के बीच का ऑब्जेक्टिव होगा बेस्ट फिट लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना, वही हमारा यहाँ पर रिग्रेशन मॉडल होगा। यही यहाँ पे एग्जाम्पल है। अब दूसरा एक चीज और हो सकता है, मैं आपको एक और एग्जाम्पल से बताता हूँ कि यदि आप लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर यदि मैं सैलरी के बारे में बात करूं तो आप यहाँ पर देखो एक और यहाँ पे एग्जांपल है कि जैसे जैसे आपका इयर्स बढ़ते जाएगा आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वैसे वैसे आपका पैकेज आपकी सैलरी जो है इंक्रीज होते जाएगी। तो ये क्या हो गया आपका एज ए इनपुट हो गया, ठीक है, जो क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है और ये जो हो गया आपका क्या हो गया आउटपुट हो गया जो आपका क्या है यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल है। समझ पा रहे हैं आप, और ये आपकी क्या है लाइन ऑफ रिग्रेशन है, लाइन ऑफ रिग्रेशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बेस्ट फिट लाइन भी बोलते हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। अब एक और चीज आप यहाँ पे समझिए जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था, वो ये चीज मैं बता रहा था कि मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन और यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन में दोनों में एक एग्जांपल ये भी हो सकता है कि आप इस तरीके से भी समझा सकते हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस आप इस तरीके से समझा सकते हैं। यदि मैं केवल दो कॉलम पे काम कर रहा हूँ, यदि मैं केवल दो कॉलम पे काम कर रहा हूँ, जस्ट मिनट में सेटिंग यहाँ पे पेन ले लेता हूँ, नोट्स में इसको मेंशन कर देता हूँ। यदि मैं ना यहां पर दो कॉलम की बात कर रहा हूं, यदि मैं यहां पर दो कॉलम पे बात काम कर रहा हूं, जैसे कि किसी स्टूडेंट का यहां पे मान लो सीजीपीए है, ठीक है, और यहां पर उसका पैकेज है। यदि उस स्टूडेंट का सीजीपीए अच्छा होगा तो हो सकता है उसका पैकेज भी अच्छा लगे, और ये दोनों काम हम लोग किस में कर रहे हैं यहां पर केवल दो कॉलम्स में कर रहे हैं। अब दो से ज्यादा यदि कॉलम्स के साथ हम लोग किसी भी लीनियर रिग्रेशन मॉडल को यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, जैसे कि हम लोग सीजीपीए यूज करते हैं, ठीक है, उसका पैकेज यूज करते हैं, ठीक है, उसका मार्क्स यूज करते हैं, ठीक है, और भी उसके कुछ अटेंडेंस यूज करते हैं मान लो, मतलब मैं मल्टीपल कॉलम्स डेटा पे मैं काम कर रहा हूँ, तो वहां पर कौन क्या यूज करेंगे हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम लोग मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन यूज करेंगे। क्योंकि यहाँ पर जो हमारी रिलेशनशिप होती है ना वो पूरी की पूरी डिपेंडेंट होती है दो या दो से ज्यादा किसके ऊपर, हमारे कॉलम्स के ऊपर। तो आप देखिए यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन क्या होता है, दोनों को समझ गए, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या, जो एक एक वैल्यू दूसरे वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट होती है उसके बीच बेस्ट फिट लाइन हम लोग बनाते हैं और केवल दो कॉलम्स पे हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल उसको बोलते हैं। दोनों में डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पर मल्टीपल कॉलम्स पे मल्टीपल डेटा में दो या दो से ज्यादा डेटा में हम लोग यहाँ पर रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं किसके ऊपर, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों वेरिएबल के ऊपर। तो हम लोग यहाँ पर मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल इसको यहाँ पर बोलते हैं। देखो डेफिनेशन भी मैं एक बार आप लोग के लिए यहाँ पे जो है रीड कर देता हूँ क्या लिखा हुआ है। मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल टू और मोर एंड द करस्पॉन्डिंग डिपेंडेंट वेरिएबल।
हियर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैन बी आइदर कंटिन्यूअस और कैटेगरिकल डेटा इन द रिग्रेशन टाइप ऑफ हेल्प फॉरेंसिक ट्रेंड एंड डिमांड फ्यूचर वैल्यू प्रेडिक्ट द इंप्लीमेंट्स और द इंप्लीमेंट्स ऑफ चेंजेस। देखो कुछ नहीं है, बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज है। आपको हमेशा ध्यान इसी तरीके से रखना है कि आप दो या दो से ज़्यादा किसी भी रिलेशनशिप के बीच में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में आप रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हो दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स में, तो ये मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल होता है और ये थोड़ा सा हेल्प करता है आपके इंप्लीमेंट्स ऑफ चेंजेस में जो हम लोग हमारे प्रिडिक्ट में हम लोग जो करते हैं उसके। इसका यदि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पर कंसिडर एज अ टास्क कैलकुलेटिंग विद द ब्लड प्रेशर इन द केस ऑफ हाइट वेट एंड अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज कैन बी कंसिडर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। यदि मैं यहाँ पर बात करूँ किसकी किसकी हाइट की बात करूँ, वेट की बात करूँ, ठीक है, और हमारे अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज की बात करूँ, ऑब्वियसली बात है आपका हाइट वेट डिपेंड, आपके जो ब्लड प्रेशर है और आपका जो अमाउंट ऑफ एक्सरसाइज है वो पूरी की पूरी कंसिडर होगा कैसे, एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब एज ए इनपुट यहाँ पर आप हाइट दोगे, वेट दोगे और एक्सरसाइज दोगे, ठीक है, और आपके आउटपुट के ऊपर यहाँ पर इसी के आधार पर आप प्रेडिक्ट करोगे कि भाई आपका ब्लड प्रेशर कितना हो सकता है, किस एज भी हो सकता था इसमें, ठीक है। आप मतलब आप मल्टीपल यहाँ पर क्या चीज़ यूज कर रहे हो, मल्टीपल डेटा कॉलम्स को यहाँ पर यूज कर रहे हो, जस्ट लाइक हाइट वेट एंड अमाउंट, ठीक है, कंसिडर एज ए इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये क्या होगा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, मान लो इसको आप इनपुट के लिए यूज कर रहे हो। हियर वी कैन मल्टीपल लिनियर रिग्रेशन टू एनालाइज द रिलेशनशिप बिटवीन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल एज देयर इज वेरिएबल कंसिडर एज ए क्वांटिटेटिव। तो क्या होगा आप ना ब्लड प्रेशर के लिए एक बार हाइट को देखोगे कि कितने हाइट वाले लोग का, कितने वेट वाले लोग का कितना ब्लड प्रेशर यहाँ पे होता है, एक अलग अलग टाइप से आप क्या करोगे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल बना के यहाँ पे एनालिसिस करोगे, मल्टीपल लीनियर जो आपको इंडिपेंडेंट वैल्यू है उसमें आप मल्टीपल वैल्यू यूज करोगे, दो या दो से ज्यादा वैल्यूज को यहाँ पे यूज करोगे। क्लियर हुआ आप लोग को? अब यहाँ पर आप दोनों के बीच को डिफरेंस को समझ चुके हो, दोनों क्या होते हैं मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल और यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल, उसको भी आप समझ गए। यहाँ पर कुछ मैंने ना कुछ डायग्राम्स के फोटो डाल दिए थे, जैसे मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन कैसे दिखता है, ग्रेडियंट कैसे दिखता है आपका, इंक्रीमेंट स्टेप आपका देखिए ये आपका ग्रेडियंट यहाँ पे ड्रॉ हुआ है, इनिशियल वेट क्या है, ग्लोबल मिनिमम वेट क्या है, ये आपको यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेस दिख रहे हैं आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डिनरी लीस्ट स्क्वायर में लीनियर रिग्रेशन कैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, यहाँ पे आप देखिए एरर यहाँ पे फाइंड हो रहा है आपको, तो यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, यहाँ पे लाइन का जो स्लोप का जो लाइन है उसका यहाँ पे फॉर्मूले के थ्रू हम लोग करेंगे। यहाँ पे राइट रिग्रेशन है और उसका यहाँ पे जो है फॉर्मूला है, तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूले को हम लोग समझते जाएंगे और एक एक करके यहाँ पर मॉडल जो है उसके एल्गोरिथम को यहाँ पे पढ़ते जाएंगे। तो आज मैं क्या करने वाला हूँ, पूरा चीज आपको ना पहले थ्योरी में समझाऊंगा, फिर मैं एक आपको डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा, उस डेटा सेट के थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे अपने सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल को यहाँ पर ड्रॉ करके एज ए प्रैक्टिकली कोड के साथ भी यहाँ पर देखेंगे। तो आज का एग्जांपल सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, फिर आज की जो कोडिंग है उसको हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करके जो एग्जाम्पल को समझ रहे हैं उसी एग्जाम्पल को कोडिंग के थ्रू भी करके यहाँ पर देखेंगे, और थोड़ा मोटा आपको मैथमेटिक्स जो मैं पढ़ाते जाऊँगा अब आज की क्लास से, और बिल्कुल भी यहाँ पर संकोच करने की घबराने की बात नहीं है कि मैं यदि नहीं जानता बहुत ज़्यादा मैथमेटिक्स, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड नहीं है या आईटी का बैकग्राउंड नहीं है तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग बिगनर फ्रेंडली रखे हुए हैं। यदि आप कॉमर्स आर्ट्स बैकग्राउंड से भी आते हैं और आपने टेंथ तक का मैथमेटिक्स पढ़ा हुआ है तो कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। हाँ ये जरूर हो सकता है कि किसी को मैथमेटिक्स बहुत अच्छे से आती है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड, तो वो आपसे थोड़ा एक कदम आगे चलेगा, थोड़ा आपको उसका टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा, लेकिन आपको पूरी की तरीके से पेशेंस के साथ यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि मैं पूरे पेशेंस के साथ आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। मेरी पूरी कोशिश है कि आपको मैं मैथमेटिक्स भी याद से पढ़ाते हुए जाऊँगा जो टॉपिक है उसके साथ साथ, और फिर हम लोग उसके जो है कोडिंग को भी पढ़ेंगे और पूरे के पूरे इस सीरीज को यहाँ पे अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। हर एल्गोरिथम आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए। अब आप सोच सकते हैं कि मैंने इतने धीरे धीरे आपको यहाँ पर अच्छे तरीके से पढ़ाते हुए लेके आया ताकि आपकी फाउंडेशन पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, क्योंकि मुझे मालूम है कि यदि हमें बहुत बड़ी एक मंजिल बनानी है तो हमारा फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रांग होना चाहिए। तो अभी हम लोग अपने पूरे फाउंडेशन को, पूरे फंडामेंटल को यहाँ पे स्ट्रांग कर रहे हैं। तो चलो एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं सिंपल लीनियर रिग्रेशन के, और उसके बाद हम लोग कोडिंग को यहाँ पर स्टार्ट करेंगे। आप लोग को सारी चीजें समझ में आ रही है ना, मुझे एक बार बता दें। कमेंट बॉक्स हमेशा आप लोग के लिए ओपन रहता है, जब क्लास हमारी हो भी जाती है उसके बाद भी, जब आप बाद में देख रहे होते हैं इस क्लास को तो भी आपके लिए यहाँ पर हमेशा हमारा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है। आप कमेंट करिए, करा करिए, जो भी आपके डाउट्स होंगे मुझे या हमारे डाउट असिस्टेंस टीचर को या हमारे टीम को जो भी आपको गाइड करना होगा वो जरूर से जरूर वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। अदरवाइज आप हमारे एप्लीकेशन और हमारे वेबसाइट को भी यूज़ कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर एग्जाम्पल को हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए यहाँ मेरे स्क्रीन में, यहाँ पर जो हमारे पास एक जो यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है ना,
ये यही काम अभी हम लोग कोडिंग में भी करने वाले हैं। मेरे पास यहाँ पे CGPA दिया हुआ है, यहाँ पे मेरे पास पैकेज इन LPA दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग ये दो कॉलम्स है हमारे पास, हम लोग सिंपल लीनियर रिग्रेशन की बात कर रहे हैं। एक है यहाँ पर इस कॉलम में, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे है CGPA जो मेरा यहाँ पे इनपुट कॉलम है, और यहाँ पे मेरा है यहाँ पर पैकेज। अब क्या है, ये जो आपको ब्लू कलर से डॉट्स दिख रहे हैं ना, ये डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे डेटा है। अब आप थोड़ा सा नोटिस करिए, ये डायग्राम को पढ़ना या डायग्राम को अंडरस्टैंड करना, अब आप यहाँ पे समझिए। डायग्राम को पढ़ना मैं बोल रहा हूँ क्यों, क्योंकि डायग्राम भी बहुत कुछ चीजें यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, किसी स्टूडेंट का CGPA 9 है, ठीक है, लेकिन उसका पैकेज यहाँ पे कम है। कम क्यों है, क्योंकि देखो मैं यदि बेस्ट फिट लाइन की बात करूँ ना, तो ये है मेरी बेस्ट फिट लाइन लीनियर रिग्रेशन की। लेकिन आप इस स्टूडेंट को देखो, जो मैं ए स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ, इसमें 9 इसका CGPA है लगभग लगभग, लेकिन इसका पैकेज कम है। कितने के आसपास है, 3 से 3.5 के आसपास है यहाँ पर, ठीक है। अब एक स्टूडेंट है यहाँ पर, आप देखिए बी, ठीक है, ये स्टूडेंट है बी मान लो। इस स्टूडेंट का देखिए CGPA 6 से भी थोड़ा कम ही है, 5.8 के आसपास या समथिंग कुछ होगा, और इसका पैकेज यहाँ पर लगभग लगभग इससे थोड़ा तो ज़्यादा ही है। ये थोड़ा सा नीचे दिख रहा है, ये ए थोड़ा नीचे दिख रहा है, बी थोड़ा ऊपर दिख रहा है, या फिर इसके आसपास ही है। तो यहाँ पर देखिए, ये रियल वर्ल्ड डेटा है ना, आपको आपका मशीन लर्निंग मॉडल ये जो रेड लाइन जो दिखा रहा है ना, ये आपकी बेस्ट फिट लाइन बता रहा है कि भाई ये बेस्ट फिट लाइन है ये, और नॉर्मल प्रिडिक्टिव इतना हो सकता है कि इतना CGPA डालोगे तो इतना यहाँ पर आपको पैकेज मिल जाएगा। क्योंकि हमारे पास इनपुट में यदि मैं CGPA डालूंगा कि भाई आपके कॉलेज में, यदि आपसे कोई पूछा जाता है आपके कॉलेज में लगभग लगभग कितना पैकेज आता है, तो यदि मैं CGPA बोलूंगा कि हाँ एक लगभग, यदि मैं 5 ये 6 6 से ज़्यादा CGPA का आता हूँ तो मेरा इतना पैकेज यहाँ पे लग सकता है। आप एक प्रिडिक्शन बता सकते हो अपने लास्ट 5 ईयर के डेटा को देखते हुए, लास्ट 25 ईयर के डेटा को देखते हुए। अब यहां पर लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शनल केस ये आता है कि आप रियल वर्ल्ड डेटा में देखोगे तो यहां पर जिसका CGPA 9 है और जिसका CGPA यहां पर 6 से भी कम है, उन दोनों का जो पैकेज है वो लगभग इसका ज्यादा ही है, बी वाले का थोड़ा ज्यादा ही लग रहा है, ऊपर ही है ना। तो अब क्या है, देखो आप ए और बी को कंपेयर करोगे तो क्या हो सकता है इसमें कंडीशन, आपको मैं डेटा पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो डायग्राम पढ़ने के लिए बोल रहा हूँ, जो डायग्राम को, जो डेटा को हम लोग डायग्राम पे प्लॉट किए हैं यहाँ पर, और इसी को मैं आपको यहाँ पे रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। रीड करते समझ में आ रहा है कैसे रीड करना है आपको? अब आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि भैया देखो पैकेज यदि यहाँ पे ज्यादा है, और सॉरी माफ करिए, यहाँ पे CGPA ज्यादा है ए का, और पैकेज यहाँ पे लगभग 3+ लग रहा है, और इसका पैकेज कम है, इसका ये लग रहा है, तो हो सकता है कि इसका पैकेज यहाँ पे कम लगा है लेकिन इसका यहाँ पे CGPA अच्छा आया है। इसका ये मतलब हो सकता है कि जब उसने इंटरव्यू देने के लिए गया होगा तो हो सकता है कि उसका मेडिकल फिटनेस नहीं होगा, या हो सकता है कि वो स्टार्टअप के बारे में सोच रहा होगा, हो सकता है कि वो इंटेलिजेंट होगा बहुत ज्यादा, उसको लग रहा होगा कि यहाँ पे पैकेज जो है वो ज्यादा अच्छा नहीं मिलता तो उसमें वो फोकस नहीं कर रहा होगा, ये भी हो सकता है। ये हो सकता है कि उसके डिजायर गोल्स डिफरेंट हो सकते हैं, वो आर्टिस्ट बनना चाहता है, ठीक है, हर कोई पैकेज तो नहीं लगाना चाहता, वो यहाँ पे प्लेसमेंट पे शार्प स्टूडेंट है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, CGPA वगैरह उसका सही आया है, लेकिन वो प्लेसमेंट की जब तैयारी करते हैं तब उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसने ध्यान नहीं दिया होगा, क्लियर है। अब एक स्टूडेंट है, हो सकता है बी स्टूडेंट जो है वो 6 से कम CGPA लेके आया, लेकिन वो प्लेसमेंट में जाके इम्प्रेस कर लेता है अपने इंटरव्यूअर को, या फिर उसके पास ऐसे स्किल सेट है जो करिकुलम के स्किल सेट के अलावा भी स्किल सेट है जो इंडस्ट्री को चाहिए होगी, वो अप स्किलिंग के लिए अपने आप के में काम कर रहा था, ना कि सिलेबस में उलझ के रह गया, इसी कारण उसका सिलेबस में हो सकता है कि उसका CGPA कम आया, लेकिन उसकी स्किल सेट इतनी अच्छी है, कोडिंग इतनी अच्छी है कि वो अपने कॉलेज की भी वेबसाइट बनाया हुआ हो सकता है, अपने कॉलेज की इवेंट की वेबसाइट बनाया हुआ हो सकता है, अपने कॉलेज में बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट किया हुआ हो सकता है, उसका पोर्टफोलियो अच्छा हो सकता है, लेकिन उसने अपने करिकुलम में कम CGPA गेन किया तो भी उसको यहाँ पे अच्छा पैकेज मिल रहा है। अब ये डिफरेंट डिफरेंट यूजर की ना डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज हो सकती है रियल वर्ल्ड डेटा में, क्लियर हुआ आपको? समझ पा रहे हो आप मेरी बात को? ये मैं क्यों बता रहा हूँ कहानी आपको, क्योंकि आपको इस कहानी से मैं रिलेट कराना चाहता हूँ, अभी जो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा उससे हमको समझ में आना चाहिए लीनियर रिग्रेशन क्या होता है और कैसे काम करता है, और मशीन लर्निंग में एल्गोरिथम कैसे आपको अपडेट करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए। तो इस स्टोरी से आपको ये पता चला कि भाई यहाँ पर रियल वर्ल्ड डेटा में अलग अलग स्टोरी पे पर्टिकुलर डेटा की अलग अलग यहाँ पे स्टोरी होती है, लेकिन मशीन्स को तो इतना चीज समझ में नहीं आता ना,
अब और बहुत लोग का डाउट भी होता है कि सर हमारे जॉब चले जाएंगे कि क्या। नहीं भाई, जब तक आप इस तरीके से सोचोगे, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचोगे, तब तक आपके जॉब्स में कोई मशीन लर्निंग या कोई एआई आपकी जॉब को यहाँ पे नहीं खत्म कर सकता है, या फिर आपको अप स्किल होने से नहीं रोक सकता, जब तक आप मेहनत नहीं कर रहे हो। मेहनत करना पड़ेगा, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, मेहनत का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। चलो समझते जाते हैं। अब ये चीज तो एज ए ह्यूमन हम लोग समझ गए, लेकिन मशीन लर्निंग मॉडल इसको नहीं समझेगा। मशीन लर्निंग मॉडल का ये काम है कि भाई मेरा ये है कि मैं बार बार इस पे एक इनपुट कॉलम दूंगा और आउटपुट कॉलम को मैं ट्रेन करते जाऊंगा। हो सकता है कि मैं एक ट्रेन डेटा बनाऊंगा और इसको बार 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 ट्रेन करते जाऊंगा कि नहीं, ऐसा भी होता है, ये इनपुट मिलने पर ये आउटपुट होना चाहिए, ये इनपुट मिलने पर ये आउटपुट होना चाहिए। क्लियर हो रहा है आपको? अब सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल पे क्या होता है कि सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल पे ना, एक आपके पास इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। अब एक इनपुट पे मैं सीजीपीए डालता हूँ और यहाँ पे आउटपुट पे मैं पैकेज डालता हूँ। जैसे मान लो सीजीपीए मेरा 6.0 है या फिर 7.25 है, ठीक है, यहाँ पर 8.0 है, और इसका पैकेज मान लो यहाँ पे 3.8 लगा, इसका पैकेज यहाँ 4.2 लगा, इसका पैकेज यहाँ पे 3.0 लगा। इस तरीके से मेरे पास यहाँ पे इनपुट और आउटपुट क्या बन गए, मेरे वेरिएबल या कॉलम्स बन गए। अब इस वेरिएबल कॉलम को मैं जब प्लॉट करने के लिए जाऊँगा, मैं इस वेरिएबल और इस कॉलम को एक काम करते हैं, हम लोग नीचे ड्रॉ करते हैं थोड़ा। यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, मान के चलो कि मेरे पास ये प्लॉट है और मेरे पास मान लो 300 स्टूडेंट के या 200 स्टूडेंट के यहाँ पे डेटा है, ठीक है, कि मेरा एक्स है, ये मेरा वाई है, ये जो है मेरा सीजीपी है, ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये मेरा यहाँ पे क्या है, पैकेज है, और ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब यहाँ पे यदि मेरे पास वो जो कॉलम है 300 लोग का जो डेटा का जो कॉलम है ना, यदि मैं इसको प्लॉट करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट डॉट इस तरीके से यहाँ पे शो होंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे डायग्राम में शो हो रहे थे। क्लियर हुआ? अब इस डायग्राम में जब ये प्लॉट आपको यहाँ पे शो हो रहे हैं, तो यहाँ पर यदि मैं एक बेस्ट फिट लाइन बनाऊंगा, जिसको हम लोग लीनियर रिग्रेशन बोलेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर आप लाइन देखिए, ये लाइन मेरी इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ हुई। ये कैसे हुई? मेरे यहाँ पे ऑन एन एवरेज इनपुट या आउटपुट को यहाँ पे कवर अप करते हुए बेस्ट फिट लाइन मेरे को मिल गई। अब इस लाइन का जो फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग स्लोप का जो फॉर्मूला मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, आप नोट करिएगा, ठीक है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है, या सी की जगह आप यहाँ पे बी भी बोल सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे वाई क्या होता है, एम क्या होता है और एक्स क्या होता है, ये मैंने यहाँ पर आपको ऊपर बताया हुआ है। माफ करिएगा, यदि मैं वाई की बात करूं और इसी एग्जांपल के थ्रू बात करूं, तो वाई मेरा क्या होगा, मान लो पैकेज होगा, ठीक है, एक्स मेरा क्या होगा, यहां पे मान लो सीजीपी होगा, तो एक्स मेरा क्या हो गया यहां पे एज ए इनपुट वेरिएबल हो गया, वाई मेरा क्या हो गया, आउटपुट हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की बात जब बात करूंगा, तो वाई मेरा यहाँ पे क्या हो जाएगा, एज ए पैकेज हो जाएगा। तो मैं एम के साथ यहाँ पे इंटू कर दूंगा किसको, सी जी पी ए को, और यहाँ पे मैं बी को ऐड करूंगा। अब बी क्या है, ये इंटरसेप्ट है, बी क्या है यहाँ पर, इंटरसेप्ट है। यदि मैं बी की ये बात करूं तो ये इंटरसेप्ट है, यदि मैं एम की बात करूं यहां पर, और बेस्ट फिट लाइन मीडियन, और आपकी जो है ये क्या होगी, आपकी बेस्ट फिट लाइन, क्या है बेस्ट फिट लाइन, ये है, ये जो लाइन है आपकी बेस्ट फिट लाइन है। तो हमको क्या करना होगा, हमको ना इस लाइन ऑफ स्लोप के अकॉर्डिंग थोड़ा सा मैथमेटिक्स यूज करना होगा और हमको बेस्ट फिट लाइन जो है फाइंड करना होगा। और इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, कोडिंग करेंगे, यूज करेंगे, और हमको यहाँ पर एज ए इनपुट के थ्रू अपना एक ऐसा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम बनाना पड़ेगा कि हम लोग सीजीपीए डालें तो हमको यहाँ पे पैकेज मिल जाए। तो चलिए मैं सबसे पहले ना आपको डेटा दिखाता हूँ और अपना जो पाइथन का जो हमारा जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, और यही चीज को अब हम लोग यहाँ पर जाकर
जो हमारा कोडिंग वाला पार्ट है उसमें देखेंगे। तो एक मैं यहाँ पर आपको जो है ना क्या प्रोवाइड करूंगा, डेटा सेट प्रोवाइड करूंगा, जो डेटा सेट होगा मेरा प्लेसमेंट वाला, जिसको मैंने यहाँ पर कैगल से लिया हुआ है और थोड़ा सा प्रिपेयर किया हुआ है। लगभग 200-300 यहाँ पे स्टूडेंट का डेटा होगा, इसकी सीएसवी फाइल आपको मिल जाएगी। अब हम लोग इसी एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन का जो हमारा एल्गोरिथम है उसको यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया वैसे ही हम लोग यहाँ पर प्लॉट भी करेंगे। तो चलिए हम लोग जाके, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे डेटा दिखाता हूँ, फिर हम लोग यहाँ पे जाके हमारी जो जुपिटर नोटबुक है उसको यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले डेटा दिखा देता हूँ। ये मेरे पास यहाँ पे डेटा है जो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप देखिए यहाँ पे CGPA और पैकेज है, और लगभग लगभग ये 200 के आसपास स्टूडेंट्स का या 300 के आसपास के स्टूडेंट्स का डेटा होगा। एक बार चेक भी कर लेते हैं यहाँ पर, लगभग लगभग ये 200 के आसपास स्टूडेंट्स हैं उनका डेटा है, जिसमें यहाँ पर मेरे पास एक कॉलम है जो CGPA का है और एक कॉलम है यहाँ पर पैकेज का। तो ये डेटा को हम लोग यूज़ करेंगे, और अभी जो मैंने आपको चीज़ बताया वही चीज़ हम लोग यहाँ पे कोडिंग में करके देखेंगे। तो ये आपका जो रहेगा डेटा है, और यहाँ पे मैं जुपिटर नोटबुक को ओपन कर लेता हूँ, कोडिंग हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखो हेडिंग दे देते हैं हम लोग आज की हमारी क्लास कौन सी है, डे नंबर 23 आज हमारा, और हेडिंग भी यहाँ पर डाल लेते हैं। आज है हमारा डे नंबर 23 मशीन लर्निंग की क्लास। देखो सॉरी, जो आज की हमारी क्लास है, एक मिनट मुझे स्टार्ट करते हैं कोडिंग वाले सेक्शन को भी हम लोग, मुझे एक मिनट का ब्रेक दीजिएगा बस। थोड़ा आप लोग की जो क्लास है वो डिले भी हो रही थी, लगभग बीच में गैप हो गया था, लंबा गैप हो गया था दूसरे लेक्चर से ये वाले लेक्चर के बीच में, तो थोड़ा सा मुझे ट्रैवलिंग भी करना था और उसके बाद कुछ हेल्थ इश्यूज भी थे, दैट्स वाई क्लास थोड़ा सा डिले हुआ। और आज भी हमारी क्लास शेड्यूल हो गई थी लेना है, दैट्स वाई मैंने सोचा कि नहीं आज की क्लास कैंसिल नहीं करना चाहिए, आज की क्लास को कंटिन्यू लेना चाहिए। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो, मैं अभी स्टार्ट करता हूँ कोडिंग वाले सेक्शन को, ये टॉपिक को हम लोग आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। भले ही टाइम लगे लेकिन हम लोग पूरा अच्छे तरीके से हमारे 30 डेज में जितना फाउंडेशन पार्ट है उसको भी कंप्लीट करेंगे, आगे भी आपको लेक्चर्स मिलते रहेंगे। हम लोग का पूरा ऑब्जेक्टिव ये है कि पूरी डेडिकेशन के साथ मशीन लर्निंग को हम लोग को यहाँ पे समझना है, आप लोग बस पेशेंस के साथ यहाँ पे पढ़ते जाइए। और चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना कोडिंग वाला सेक्शन, जैसा कि अभी हम लोग कर रहे थे। पहला काम लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लेते हैं, और अब थोड़ा सा हम लोग ना फास्ट फास्ट कोडिंग भी करेंगे, क्योंकि अब आप 22 दिन से 20 दिन से कोडिंग कर ही रहे हैं यहाँ पे मेरे साथ साथ कर रहे हैं, तो आप सब कुछ चीज़ से आप फैमिलियर हो गए। लाइब्रेरीज भी आपको यहाँ पे नाम याद हो गए होंगे लाइब्रेरीज के, लेकिन कभी भी अपने प्रोटोकॉल्स को यहाँ पे फॉलो जरूर करो, जो एक हैबिट अच्छी होती है कि आप हमेशा कोशिश करो कि आप ना कभी भी कोशिश करो कि आप हमेशा ये हेडिंग डालने वाली जो हैबिट है उसको बिल्कुल भी मत छोड़ो, चाहे कितना भी आपको फास्ट करना हो, क्योंकि बाद में ये बहुत हेल्प करती है जब आप बाद में इस कोड को देखते हो तब। तो मैंने यहाँ पे लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया है, लाइब्रेरीज कौन कौन सी हम लोगों ने यहाँ पे इंपोर्ट की है, हम लोगों ने यहाँ पे मैटप्लॉटलिब, पांडा और नमपाई, तीनों लाइब्रेरी को हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया जो हम लोग पाइथन में पढ़ के आते हैं। अब मैं यहाँ पे डेटा सेट को इंपोर्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम लोग हेडिंग डाल लेते हैं इंपोर्ट डेटा सेट। डेटा सेट आपको मिल जाएगा गिटहब में, और साथ ही साथ मैं आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट में। हम लोग यहाँ पे डेटा फ्रेम के अंदर pd.read में placement.csv बना लेते हैं, और यहाँ पे चेक भी कर लेते हैं डेटा फ्रेम डॉट हेड में यहाँ पे लेता हूँ, और इसको यहाँ पे हम लोग
रन करते हैं। डेटा सेट जो है मैंने कैगल से लिया हुआ है, 200 डेटा का या 200 स्टूडेंट का यहाँ पे प्लेसमेंट का डेटा है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, और यहाँ पे CGPA और पैकेज आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो हमारा डेटा सक्सेसफुली यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम लोग ना प्लॉट स्टार्ट करते हैं, डेटा प्लॉट हम लोग ग्राफ को जो है उसको यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अब मैं यहाँ पर स्कैटर प्लॉट यूज़ करूँगा इसके लिए, और एक्स लेबल पे मैं यूज़ क्या करूँगा यहाँ पे CGPA, और वाई पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर हमारा पैकेज। तो यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है। सबसे पहले हम लोग डेटा प्लॉट को यहाँ पे प्लॉट करते हैं, डेटा ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करते हैं। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लॉट डॉट स्कैटर लिख रहा हूँ, ये देखिए प्लॉट डॉट स्कैटर लिख रहा हूँ। डेटा फ्रेम के अंदर मैंने यहाँ पे CGPA और पैकेज को यहाँ पे डाल दिया है, दो अलग अलग डेटा फ्रेम मैंने यहाँ पे बनाया है। देखिए प्लॉट डॉट स्कैटर बनाया, डेटा फ्रेम CGPA, पैकेज डाल दिया। मेरे एक्स लेवल पे मैंने CGPA का प्लॉट दे दिया, वाई लेवल पे मैंने पैकेज इन LPA दे दिया जो आपको यहाँ पे शो रहा है। इसको भी हम लोग यहाँ पे रन कर लेते हैं। देखिए प्लॉट यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब इसको हमने जो डेटा है, ठीक है, तो डेटा हमको शो हो रहा था, क्या डेटा शो हो रहा था, ये आपका डेटा शो हो रहा था। अब इस डेटा को एनालाइज करने के लिए तो आपको यहाँ पे ड्रॉ करना आना ही चाहिए, जो हम लोग पाइथन में सीखते हैं। अब यहाँ से मशीन लर्निंग का काम स्टार्ट होता है, ठीक है। जो मैंने स्टोरी बताई थी वो यही प्लॉट था, इसी का स्क्रीनशॉट वहाँ पे डला हुआ है। ये आप देख रहे हैं ए और ये बी, ये बी है ये ए है, जो मैंने आपको अलग अलग स्टोरी बताई कि ज़्यादा CGPA पे इसका पैकेज इतना लग रहा है, इसके पास कम CGPA ये भी लग रहा है। लेकिन मैं हमारा कैसे बनेगा यहाँ पे मशीन लर्निंग का ट्रेनिंग मॉडल, इस तरीके से बेस्ट लाइन स्लोप बनेगा, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी की बात होगी, ठीक है, जहाँ बी जो है इंटरसेप्टर है और एम क्या है स्लोप है। ये एम जो है स्लोप है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बेस्ट फिट लाइन बोलते हैं, और इसी को हम लोग लीनियर रिग्रेशन भी बोलते हैं। जो सिंपल लीनियर रिग्रेशन यहाँ पे हो रहा है दो यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स पे। तो मैंने क्या किया, यहाँ तक डेटा को प्लॉट कर लिया है। अब डेटा को हमने प्लॉट कर लिया, डेटा को हमने समझ भी लिया, जो एग्जांपल मैंने आपको बताया। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना डिफाइन करेंगे एक्स और वाई को एज ए इनपुट और आउटपुट कॉलम, और आपको पता है कि हम लोग एक्स टेन और वाई टेन को भी यूज़ करते ही हैं ट्रेनिंग डेटा सेट के लिए, ट्रेनिंग मॉडल को बनाने के लिए यहाँ पर। तो हम लोग यहाँ पर इसको हेडिंग दे देते हैं एक्स एंड वाई एज ए इनपुट एंड आउटपुट कॉलम। तो यहाँ पर एक्स को मैं डिफाइन करता हूँ और हम लोग दोनों को यहाँ पे करके देख लेते हैं। इसको मैं रन कर देता हूँ और हम लोग यहाँ पे एक्स को देखते हैं क्या डेटा हमारा वो आ गया है। यस, यहाँ पे मेरे पास एक्स में मेरे पास CGPA आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे यदि मैं वाई की बात करूँ और ये स्मॉल वाई है ना, याद ध्यान रखिएगा स्मॉल वाई है ये, तो यहाँ पे वाई की बात करूँ तो वाई में भी यहाँ पे मेरे पास पैकेज आ चुका है। अब देखो नहीं सॉरी, वाई पे मेरे पास क्या आ चुका है, यहाँ पे वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ये फॉर्मूला है ना हमारा लाइन ऑफ स्लोप का, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। बी इंटरसेप्टर है, ठीक है, एम क्या आपका स्लोप है, और वाई क्या है यहाँ पे, वाई आपका ना आउटपुट है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एक्स क्या है आपका इनपुट है, ठीक है, इनपुट क्या है यहाँ पर CGPA है, और Y में आउटपुट क्या आपका पैकेज है। तो यहाँ पे Y और X दोनों हम लोगों ने यहाँ पर एज ए इनपुट और आउटपुट कॉलम यहाँ पे डिफाइन कर लिया ये डेटा में जो है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, हम लोग ना टेन टेस्ट स्प्लिट को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। X और Y पे तो हम लोगों ने बता दिया अपने मशीन लर्निंग को कि भाई ये X में क्या और Y में क्या है। अब हम लोग टेन टेस्ट स्प्लिट स्टार्ट करते हैं और इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे ट्रेनिंग मॉडल जो है उसको यहाँ पे काम करना उस पे स्टार्ट करेंगे। मैं यहां पर इंपोर्ट कर रहा हूं टेन टेस्ट स्प्लिट को हमारे सैकिट लाइब्रेरी को यूज करते हुए। हम लोग यहां पर लीनियर रिग्रेशन को ना यूज करेंगे, तो यहाँ पे एक छोटा सा मैं हेडिंग डाल देता हूं। जो मेरा एक्स टेन और वाई टेन है उसके लिए, ये जो मेरा एक्स टेन वाई टेन है ना,
उस पे मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर रहा हूँ scikit-learn लाइब्रेरी को यूज करते हुए लीनियर रिग्रेशन को। और यहाँ पर आप देखोगे तो मैं डिफाइन करूँ लीनियर रिग्रेशन को, तो आप देखिएगा यहाँ पे मैं LR इक्वल टू इसको जो है यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। जस्ट ए मिनट, आप देखिए यहाँ पर हेडिंग मैंने डाल दी। इस लीनियर रिग्रेशन की जो बात हो रही है ना, इस लीनियर रिग्रेशन की जो बात हो रही है, इसको मैं स्मॉल एल और आर में इक्वल टू करके यहाँ पर जो है डिफाइन कर देता हूँ। इस लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पर आप देखिए, इसको यहाँ पे मैं रन करूँ, यस यहाँ पे जो है इम्पोर्ट हो चुका है, और इसको मैं यहाँ पर रन कर देता हूँ, डिफाइन कर देता हूँ स्मॉल एल आर में। अब यहाँ के यहाँ तक तो हमने कुछ नहीं किया। देखो यहाँ तक हमने क्या किया, यहाँ तक हम लोगों ने लाइब्रेरी इम्पोर्ट करी, डेटा सेट इम्पोर्ट किया, जो डेटा प्लॉट का जो ग्राफ है उसको हम लोगों ने यहाँ पे स्कैटर प्लॉट बनाया। अब यहाँ पर हम लोगों ने एक्स और वाई को डिफाइन किया। एक्स हमारा क्या है इनपुट है, वाई हमारा क्या है आउटपुट है, ये हमारे पास है ऑलरेडी। एक्स जो हमारा टेन टेस्ट स्प्लिट है, इसमें हम लोगों ने टेन जो हमारा जो ट्रेनिंग डेटा है जो हम लोग इम्पोर्ट टेन टेस्ट स्प्लिट करते हैं वो हम लोगों ने यहाँ पे किया। एक्स टेन वाई टेन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, ये काम हम लोगों ने किया। मैंने यहाँ पे लिनियर रिग्रेशन को इम्पोर्ट किया और यहाँ पे डिफाइन किया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं एक स्टेप। अब हम लोग क्या करेंगे, मैंने एक फिट करके जो हमारा ट्रेन मॉडल है ना उसको यहाँ पे यूज करूंगा, ठीक है। यही हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर फिट करके, एक हमारा ट्रेन मॉडल होता है उसको, तो मैं यहाँ पर एक यूज करता हूँ यहाँ पे यूज फिट फॉर ए ट्रेन द मॉडल। तो ट्रेनिंग करना हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, एल आर डॉट फिट एक्स टेन और वाई टेन करना है। आप यहाँ पर देखेंगे, जैसे मैं यहाँ पर आपको दिखाऊँ फिट की जगह आप यहाँ पर कितने सारे फंक्शंस होते हैं। यदि मैं बात करूं एल आर डॉट फिट की, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे ये, मैं आपको दिखाता हूं कंट्रोल वाई, ठीक है। एल आर डॉट फिट को मैं यहां पे रन किया, ठीक है, ये मॉडल हमारा ठीक है एक्स टेन वाई टेन। अब देखो मैं यहाँ पर एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट दिखाता हूँ। एल आर डॉट फिट के अंदर मैंने एक्स टेन और वाई टेन डाला ना, तो मैं यहाँ पर दोनों को इंडिविजुअली आपको यहाँ पे एक्स टेस्ट और वाई टेस्ट जो है दोनों करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक्स टेस्ट की मैं बात करूं, यहां पर एक मिनट, यहां पे मेरे पास क्या है, देखो सीजीपी है 8.58 स्टोर कर लिया मैंने एक्स टेस्ट के अंदर, और वाई टेस्ट मैं आपको यहां पे दिखाता हूं। वाई टेस्ट की बात करें हम लोग, यहाँ पर आपके पास क्या दिखा रहा है 112.4.10, ठीक है, ये दोनों आपको यहाँ पे शो हुआ। अब देखो मैं कैसे यहाँ पे ना वैल्यू को प्रिडिक्ट करता हूँ। अब इसी चीज को मैं आपको एक्स और वाई टेस्ट को दोनों को लोड करके दिखाया ना, अब थोड़ा देर बाद हम लोग इसको मैथमेटिक्स में भी देखेंगे। मैं पहले क्या करता हूँ, यहाँ पर आपको एक प्रिडिक्ट करके दिखाता हूँ वैल्यू को। यहाँ पर आप नोटिस करिएगा, ये एक्स और वाई की वैल्यू को प्रिडिक्ट करके मैं आपको यहाँ पे शो करना स्टार्ट करता हूँ, फिर हम लोग कंपेयर करते हैं ऊपर जाके वैल्यू को। हेडिंग मैं यहां पे डाल देता हूं प्रिडिक्ट दी वैल्यू, और यहां पर आप देखिएगा एल आर डॉट प्रिडिक्ट मैंने यहां पे लिखा हुआ है। यहां पे आप देखिए यहां पर है जीरो, यहां पर है आपका जीरो जो आपको शो रहा है। कहने का मतलब ये वन बाई वन की बात हो रही है, फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू की बात हो रही है, किसकी, ये जो मैंने आपको ऊपर दिखाया ना अभी एक्स और वाई की, ये एक्स और वाई की। अब देखो यहाँ पर सबसे ज्यादा हाईएस्ट सीजीपीए किसका है, 112 नंबर वाले स्टूडेंट का है 200 में 8.58, सबसे हाईएस्ट सीजीपीए है 8.58, ठीक है, जो एक्स टेन के अंदर है। इसका पैकेज कितना लगा है यहाँ पे 4.10 का पैकेज है यहाँ पे जो आउटपुट हमको बोल रहा है। लेकिन मेरा लीनियर रिग्रेशन मॉडल क्या प्रेडिक्ट करके निकालता है ये हम लोग यहाँ पर देखते हैं। इसको मैं जीरो करता हूँ, रन करता हूँ, इस पर वैल्यू आई है मेरी 3.8 का पैकेज यहाँ पे आना चाहिए। क्लियर हुआ आपको? अब मैं यहाँ पर ना वापस से इसको लिखता हूँ और इसको जीरो को मैं यहाँ पर जाके वन करता हूँ, और इसको हम लोग यहाँ पर रन करते हैं, इसमें 3.09 आई है। अब देखो सेकंड नंबर वाले को, देखो यहाँ पे आना चाहिए था 4.10 लेकिन थोड़ा उसके आसपास नहीं आई है, क्योंकि वो भी एकदम बीच वाली वैल्यू को ले रहा है, लाइन जो बेस्ट फिट लाइन है उसको यहाँ पे ले रहा है। सेकंड वाले को यदि मैं देखूँ, सेकंड वाले में यहाँ पर क्या वैल्यू आई है, यहाँ पे 7.15 यदि मेरा सीजीपीए किसी स्टूडेंट का, उसका पैकेज कितना लगेगा यहाँ पे 3.49 लगेगा, 29th नंबर का स्टूडेंट है ये, तो यहाँ पर ये 3.09 लगा हुआ है, थोड़ा आगे पीछे अभी भी। एक काम करते हैं, इसको हम लोग यहाँ पे 3 करके देखते हैं,
ठीक है, इसको रन करते हैं। ये जो आ रहा है आपकी वार्निंग आ रही है, इसको अभी के लिए इग्नोर करो। 2.5 पैकेज है यहाँ पर थर्ड वाले का, तो मतलब यहाँ पे फोर्थ नंबर होगा ना ये, तो यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर 2.33 है। ये लगभग लगभग थोड़ा पास में है, लेकिन फिर भी 25,000 के आसपास का डिफरेंस है, क्योंकि 2.33 आना चाहिए था, यहाँ पर 2.5 आया। तो क्या किया उसने, जो एल्गोरिथम है वो उसने क्या किया, बेस्ट फिट लाइन से हमको यहाँ पे एक एवरेज वैल्यू निकाल के दे रहा है, जिसको हम लोग प्रिडिक्ट दी वैल्यू यहाँ पर कह रहे हैं। क्लियर हुआ? अब थोड़ा और आगे देखो हम लोग, मैं वापस से आपको ना ये जो प्लॉट है ना, इसको अगेन से प्लॉट करके दिखाता हूँ जो ऊपर दिखा है, और यहाँ पर मैं आपको ना वो लाइन भी दिखाता हूँ कि जो लाइन हमारी ड्रॉ हुई है। मैं यहाँ पर अगेन प्लॉट करता हूँ हमारे एक्सटेंड को, और यहाँ पर इसको रन करता हूँ, हेडिंग में डाल लेता हूँ पहले। ये जो ऊपर हम लोग प्लॉट किए थे, इसी को हम लोग यहाँ पे वापस से करते हैं, तो इसको यहाँ पे कॉपी कर लिया जाए जाके, और इसको वापस से प्लॉट करके देखते हैं दोनों में क्या डिफरेंस आया है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे जाके, अच्छा सॉरी, यहाँ पे मेरे को एक और देना पड़ेगा, जो एक्स टेन और वाई टेन है, सॉरी एक्स टेन टेन मॉडल मेरे को यहाँ पे देना पड़ेगा, और कलर भी देना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पे लाइन आपको दिखेगी नहीं। तो मैं एक लाइन और यहाँ पे ऐड करता हूँ, एक्स टेन आपको दिखाता हूँ पहले। कलर मैंने यहाँ पे रेड रखा हुआ है लाइन का, रन करते हैं, क्या इशू आया यहाँ पे? अच्छा क्लोज नहीं है ये, रन करते हैं इसको। देखो हमारे पास यहाँ पे हमारा एक बेस्ट फिट लाइन हमको यहाँ पे मिल गई है रेड कलर से, जो आपको यहाँ पे शो हो रही है। आप देखिए ये जो डेटा है ना, आपको कितना अच्छे तरीके से एक्सटेंड के अंदर थोड़ा सा अच्छे तरीके से शो हो रहा है ना आपको। देखो ये डेटा का जो लाइन है, यहाँ से यहाँ तक आपको शो हो रही है ना। अब ये यदि मैं वाई टेन को यदि प्लॉट करके दिखाऊंगा ना यहाँ पर, ठीक है, तो आपको देखना ये थोड़ा सा श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, मैं एक बार वो भी करके दिखाई देता हूँ आपको। यहाँ पर आप एक्सटेंड लिखे हुए हो, तो वाई टेस्ट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे, वाई को प्लॉट करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। आपको यहाँ पे डिफरेंस भी समझ में आ जाएगा प्लॉट में, कि एक वैल्यू कैसे श्रिंक हो जा रही है। माफ करिए, एक्स टेस्ट करना था। ये देखिए आपको दिख रहा है डेटा थोड़ा सा यहाँ पे बहुत ज्यादा पास पास आ गया है। ठीक है, तो हम लोग इस पूरे के पूरे मॉडल में ना ट्रेन को लेके ही चलेंगे। मैंने वाई लिख दिया था, एक्स ट्रेन टेस्ट की जगह यहाँ पे भी मैं एक्स ट्रेन कर देता हूँ। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे रन करेंगे। देखो ये थोड़ा सा अच्छी तरीके से यहाँ पे मेरी लाइन पूरी अच्छी तरीके से बनी हुई है। तो आपको क्या करना है ना यहाँ पर, अब यहाँ से आपको ना मॉनिटर करना स्टार्ट करना है। देखो क्या मॉनिटर करना है आपको, पहले ना मैं आपको ये चीज दिखा देता हूं यहां पर। ये है मेरा स्लोप लाइन का, इसका फॉर्मूला है क्या है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब मैं बात करूं यहां पे वाई की, अब मैं बात करूं यहां पे वाई की, ये मैं वाई की बात करूं, तो ये मेरा आउटपुट है, और आउटपुट क्या है, मेरा पैकेज है। ठीक है, यदि मैं एम की बात करूं तो ये मेरा इनपुट है, और ये मेरा क्या है, सीजीपी है, माफ करिए एक्स, एक्स मेरा क्या है, इनपुट है और सीजीपी है। एम क्या है, मेरा स्लोप है, और मेरा बी जो है यहाँ पर इंटरसेप्टर है। अब मेरे को यदि वाई आउटपुट निकालना है, तो एम में मुझे क्या डालना पड़ेगा, क्या वैल्यू डालना पड़ेगा एम में, मेरे पास यहाँ पे स्लोप डालना पड़ेगा, एम की वैल्यू डालना पड़ेगा। मान लो एम की वैल्यू मैं यहाँ पर डालता हूँ 2.5, ठीक है, इंटू एक्स की वैल्यू क्या होगी, जो मेरा सी जी पी ए होगा। ठीक है, मान लो इस स्टूडेंट का सी जी पी 6.6 है, यहाँ पर मैं बी की एक वैल्यू डाल देता हूँ, इंटरसेप्टर जो वैल्यू वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, मान लो ये 8.2 है। यदि मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो मेरे को आउटपुट मिल जाएगा, वाई मिल जाएगा। यही काम यहाँ पर हुआ है। अब इसी काम को मैं एक एक करके आपको करके शो करके दिखाता हूँ, कि ये जो ऊपर में आपकी जो लाइन प्लॉट हुई है ना, बेस्ट फिट लाइन जो लिनियर रिग्रेशन ने बना के दी है हमको यहाँ पे, जो शो हो रही है, इसी को हम लोग यहाँ पे आधार मानेंगे, और इसी आधार पे हम लोग इसके लेफ्ट और राइट दोनों का एनालिसिस करते हुए एक हमारा प्रिडिक्टिव एनालिसिस मॉडल बनाएंगे, सिंपल लिनियर रिग्रेशन मॉडल को यूज करते हुए। लेकिन इसका मैनुअल फॉर्मेट भी मैं आपको यहाँ पे शो करके दिखाता हूँ। मैंने अभी तो पूरा आपको पाइथन के थ्रू करके दिखा दिया, थोड़ा सा मैं इसको एक एक स्टेप में करके दिखाता हूँ।
दिखेगा। अब मैं आपको ना m और b की वैल्यू को फाइंड करता हूं। पहले इस पूरे डेटा सेट में m और b की वैल्यू को हमको जरूरत पड़ेगी और एक एक करके मैं कैलकुलेट करूंगा स्लोप ऑफ लाइन को, ठीक है। अब यही काम मैं आपको इसमें करके दिखा रहा हूं। तो मैं पहले m और b की वैल्यू को फाइंड कर लूं इसमें से। मैं यहां पे हेडिंग डाल लेता हूं जाके। मैं m के लिए ना IR कोएफिशिएंट लीनियर रिग्रेशन में, ये आप देखिए m को मैं डिफाइन करने से पहले रन करके दिखाता हूं। ये मेरे पास 0.55 इसकी वैल्यू है, ठीक है। मेरी m की जो वैल्यू है वो कितनी होगी इस पूरे लाइन के लिए, जिसको मैं स्टोर कर लेता हूं m के अंदर, m के अंदर 0.55। वैसे आपकी जो b जो है आपका, जिसको हम लोग इंटरसेप्ट बोलते हैं, इंटरसेप्ट लाइन जो हम लोग यहाँ पे बोलते हैं, वो आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ उसकी वैल्यू कितना है, 0.89, ठीक है। इसको भी मैं यहाँ पे जाके जो है क्या करता हूँ, b के अंदर इसको स्टोर कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी, ठीक है, जिसको मैं b बोल के यहाँ पर जो है डिफाइन कर ले रहा हूँ। तो मेरे पास m और b की वैल्यू आ गई है, मैंने यहाँ पे जो है निकाल के रख लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे स्लोप ऑफ लाइन को। अब यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पे देखिए, मैं जाता हूँ यहाँ पे हेडिंग हम लोग डाल लेते हैं कैलकुलेट द स्लोप लाइन। और यही फॉर्मूले को मैं यहाँ पर यूज करूंगा। देखो ये है मेरा फॉर्मूला, ये है मेरा फॉर्मूला। मेरे पास ऑलरेडी m की वैल्यू है जो मैंने यहाँ पे निकाल ली है, b की वैल्यू यहाँ पर है जो मैंने यहाँ पे निकाल ली है, दोनों को m और b के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। और मैं क्या कर रहा हूँ, y कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो पहला हम लोग y कैलकुलेट करते हैं, है ना। और यहाँ पर हम लोग m के साथ क्या इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए m के साथ हम लोग क्या इंटू कर रहे हैं, यहाँ पर 8.58 इनपुट कर रहे हैं और b यहाँ पे दे रहे हैं। तो m की वैल्यू मेरी यहाँ कहाँ पे स्टोर है, यहाँ पे स्टोर है। b की वैल्यू मेरी यहाँ पे स्टोर है। 8.58 क्यों लिए हैं, क्योंकि पहले स्टूडेंट का CGPA 8.58 है। तो मेरा y यहाँ पे आ जाएगा ना, जो मेरा आउटपुट आएगा अभी, जो आउटपुट में जो शो होगा एज ए इनपुट दे रहा हूँ मैं इसको, y क्या आ जाएगा मेरा स्लोप ऑफ लाइन में, यदि पहले स्टूडेंट का मेरा यहाँ पे y पे आउटपुट आ जाएगा। तो चलो 8.58 जो है पहले स्टूडेंट का, ये एक बार मैं वेरीफाई भी करवा देता हूँ आपको। ये देखो 8.58 क्यों लिया है मैंने, ये देखो पहले स्टूडेंट का CGPA कितना 8.58 है। क्लियर हुआ। अब मैं इसको यहाँ पे रन करता हूँ, तो इसका आउटपुट कितना आना चाहिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा, आपका 3.89 यहाँ पर आना चाहिए। यहाँ पर क्या शो रहा है आपको देखिए, 4.10 शो रहा है। हमारा मशीन लर्निंग मॉडल क्या कर रहा है, इसको बता रहा है कि एक ग्रेडियंट लाइन, मतलब सॉरी आपकी जो बीच में स्लोप जो लाइन है मेरी, जो आपकी बेस्ट फिट लाइन है लीनियर रिग्रेशन की, उसके अकॉर्डिंग वो एक जनरल यहाँ पे प्रेडिक्ट करके वैल्यू बता रहा है वो कितनी होनी चाहिए, इसका पैकेज कितना होना चाहिए, यहाँ पर 3.89 होना चाहिए। क्योंकि वो एक वैल्यू की बात नहीं कर रहा है, पूरे के पूरे ऑन एन एवरेज की बात कर रहा है सभी के लिए, इसलिए इसका नाम सिंपल लीनियर रिग्रेशन है। बहुत सिंपल तरीके से ये काम करता है। इसका पैकेज कितना आना चाहिए, यहाँ पर 3.8 आना चाहिए, ये प्रेडिक्ट करके हमारा मॉडल जो है वो बताया है। अब चलो दूसरे स्टूडेंट के लिए भी यही काम करते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे m into 8.5 की जगह, यहाँ पर 8.58 की जगह दूसरे स्टूडेंट का CGPA डालते हैं। दूसरे स्टूडेंट का CGPA कितना है, यहाँ पे 7.15 है। तो 7.15 हम लोग यहाँ पे डालते हैं और इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। 7.15 हम लोग यहाँ पे डालते हैं, इसको यहाँ पे रन करके देखते हैं। ये इसका आ रहा है 3.09। कितना है इसका भाई, सेकेंड स्टूडेंट का यहाँ पे 3.49 है। थोड़ा पास में तो है नहीं, लेकिन फिर भी वो अपना ऑन एन एवरेज यहाँ पे बता रहा है। तो कैलकुलेशन कैसे करते हैं स्लोप लाइन का आप समझ गए। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे, अब मान लो मैं इससे, क्योंकि यहाँ ये CGPA मान लो 8.58 ही है, लेकिन यदि इससे ज्यादा CGPA वाला स्टूडेंट यहाँ पे मार्क्स लेके आता है, तो सबसे ज्यादा CGPA होता है मान लो 9.99 ले लेता हूँ, मैं 9.99 ले लेता हूँ, इसका पैकेज कितना होना चाहिए, 4.6 होना चाहिए। अब ऑब्वियस सी बात है यार, इतना अच्छा पैकेज लेके आओगे तो 4.6 बहुत अच्छा पैकेज तो होता नहीं है, लेकिन और इस डेटा के अकॉर्डिंग 4.6 जो है अच्छा पैकेज है इस डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। और नॉर्मल ऑन एन एवरेज आप कॉलेज से भी पढ़ोगे तो मिडिल एकदम लेवल के कॉलेज से पढ़ोगे तो इनिशियल पैकेज जो है आपका 8 लाख के आसपास ही यहाँ पे होता है। यदि मैं थोड़ा सा यहाँ पे वैल्यू और बढ़ा दूँ, यदि 100 कर लूँ, ऐसे CGPA कभी भी 10 के ऊपर तो जाएगा नहीं, लेकिन यदि मैं एक बार आपको दिखाने के लिए 100 कर लूँ, तो आप देखिए 54 लाख का यहाँ पे पैकेज आता है। तो
तो यहाँ पर आप देख समझ पाए होंगे कि हमने कैलकुलेट ऑफ स्लोप लाइन को कैसे निकालते हैं, और यहाँ पर हमारा मशीन लर्निंग मॉडल में हम लोग जब दो डेटा यहाँ पे देते हैं तो कैसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लीनियर रिग्रेशन मॉडल में प्रिडिक्शन वैल्यू कैसे आती है। अब ये मशीन लर्निंग मॉडल का मैंने एक छोटा सा एक माइनर सा यहाँ पे कोड आपको करके बताया है, आपके लीनियर रिग्रेशन को यहाँ पे करके दिखाया है। लेकिन जब हम लोग प्रोजेक्ट की बात करते हैं, हम लोग प्रोजेक्ट पढ़ते हैं, जब हम लोग प्रिडिक्शन मॉडल बनाते हैं तो इसको हम लोग बार बार एक मशीन लर्निंग मॉडल में ट्रेन करते जाते हैं, और यहाँ पे डेटा का बहुत बड़ा शॉर्टेज है, यहाँ पे 200 ही डेटा है, 200 डेटा ही है, और डेटा को हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे बार 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 ट्रेन नहीं कर रहे। जितने बार हमारा डेटा ट्रेन होते जाएगा उतना अच्छा हमारी प्रिडिक्शन वैल्यू जो है निकलते जाएगी। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो समझा, जो देखा, वो ये देखा कि भाई हम लोग यहाँ पे लाइन ऑफ स्लोप को कैसे कैलकुलेट करते हैं वाई इक्वल टू एम एस प्लस सी में, जो हम लोग को एक लाइन प्लॉट करके देती है। हमारा रियल टाइम एग्जांपल जो हम लोगों ने देखा उसी को यहाँ पे कोड में करके यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे शो किया। अब मैं वापस से एक बार आपके लिए पूरा कोड जो है रिवाइज कर रहा हूँ, आप लोग के लिए एक बार रिविजन हो जाएगा जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, और आपको यहाँ पर सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल समझ में आ गया होगा कि हम लोग दो यहाँ पर अलग अलग कॉलम्स पे दो डेटा पे काम करते हैं, दो से ज्यादा पे काम करते हैं तो वो क्या होता है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन होता है। सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल में हम लोग केवल दो यहाँ पे कॉलम्स पे काम करते हैं, दो डेटा पे काम करते हैं, एक होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, दूसरा होता है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हम लोग अभी रिवाइज कर रहे हैं जो चीज कर रहे हैं। जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारा इनपुट होता है, जिसकी वैल्यू हम लोग एक्स पे डालेंगे तो वाई हमारा अपने आप क्या होगा, एक्स पे डालेंगे तो वाई हमारा क्या होगा, अपने आप प्लॉट हो जाएगा। अब इसी को हम लोग यूज करते हुए एज ए एग्जाम्पल हम लोग देखें कि हमारे पास जितना सीजीपी होगा उतना हमारा पैकेज होगा। तो हम लोगों ने दो कॉलम को एक साथ यहाँ पे प्लॉट किया, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक लाइब्रेरी को इम्पोर्ट किया, मैंने डेटा सेट को इम्पोर्ट किया सीजीपी और पैकेज का, और उसी को हम लोगों ने उस डेटा को प्लॉट किया है ग्राफ में। और ग्राफ को कैसे रीड किया जाता है, ग्राफ को रीड करना, एक इमेज को रीड करना एक अच्छे डेटा साइंटिस्ट की, एक अच्छे मशीन लर्निंग इंजीनियर की पहचान होती है। तो ये हैबिट भी आप लोग डालिए, क्योंकि जब हम लोग डेटा को यहाँ पे प्लॉट करते हैं तो वही हम लोग को एज ए ह्यूमन बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, और उसी को अंडरस्टैंड करते हुए हम लोग एज ए मशीन लर्निंग पे काम करते हैं। इसलिए ह्यूमन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो लोग कभी कुछ पढ़ते ही नहीं, वो इस बात में हमेशा डरे हुए रहते हैं कि हमारी जॉब को एआई रिप्लेस कर देगा। यस, डेफिनेटली आपकी जॉब को रिप्लेस कर सकता है एआई, तब तक जब तक आप बिल्कुल भी एआई से एक कदम आगे नहीं हो, और एज ए ह्यूमन आपको अपने आप को अपस्किल करते ही रहना है। जब तक आप ह्यूमन हो, जब तक आप इस संपूर्ण सोसाइटी में हो, तब तक आपको अपने आप को अपडेट करते ही रहना है, आप स्किल होते ही रहना है। तो कोई भी एआई आपकी जॉब को तब तक रिप्लेस नहीं कर सकता जब तक आप एक बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल तरीकों को क्लियर करते हुए आउट ऑफ बॉक्स चीज़ों को सोचते हुए जा रहे हो, और ह्यूमन की इंटेलिजेंस को एआई की इंटेलिजेंस जो है अभी बीट नहीं कर रही है, वो उन्हीं की इंटेलिजेंस को बीट कर पा रही है जो अपस्किल नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने मशीन ने जो चीज़ नहीं समझा वो चीज़ हम लोगों ने समझा, कि हम लोगों ने एक स्टोरी के थ्रू समझा कि हो सकता है इसका पैकेज ज़्यादा है, लेकिन सॉरी सीजीपीए ज़्यादा है, इसका पैकेज कम है। इसका ये मतलब नहीं है कि ये स्टूडेंट जो है इसी पैकेज में यहाँ पे काम कर रहा है, हो सकता है बहुत शार्प है, हो सकता है इस स्टूडेंट के पास ऐसे स्किल सेट हैं जिसके कारण वो पैकेज पे अपनी कंपनी पे ध्यान ही नहीं दे रहा है। हो सकता है कि वो ऑलरेडी पहले से कोई स्टार्टअप वगैरह ओपन किया हुआ है, बस वहाँ पे उस पैकेज के में इंटरव्यू में बैठने चले गया था। हो सकता है कि स्टूडेंट यहाँ पे सीजीपीए कम लेके आ रहा है, लेकिन उसका करिकुलम एक्टिविटीज़ में ध्यान नहीं था, वो बहुत अच्छा कोडिंग वगैरह पढ़ता था, जो इंडस्ट्री की डिमांड है उस स्किल सेट को पढ़ता था, ना कि उस थ्योरिटिकल सिलेबस को पढ़ता था, और फिर भी उसका पैकेज यहाँ पे अच्छा लग रहा है ऑन एन एवरेज इस डेटा के अकॉर्डिंग देखा जाए तो। तो आपको ये चीज जो है रियल डेटा जो है आपको यह भी अंडरस्टैंड करते हुए यहाँ पे आना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, उस डेटा को यहाँ पे प्लॉट किया, मैंने एक्स और वाई के अंदर इनपुट और आउटपुट कॉलम को यहाँ पे डिफाइन किया, और उसके बाद हम लोगों ने ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यहाँ पे अप्लाई किया। मैंने यहाँ पर इंपोर्ट और डिफाइन किया अपने लीनियर रिग्रेशन मॉडल को, और हम लोगों ने फिट को यूज किया हमारे एक्स टेन और वाई टेन के लिए। एक्स टेन यहाँ पर आपको शो रहा है, वाई टेन यहाँ पर शो रहा है। उसके बाद मैंने प्रिडिक्ट करना स्टार्ट किया वैल्यू को। पहले मैंने आपको जीरो मतलब फर्स्ट वैल्यू को प्रिडिक्ट करके दिखाया, मेरा अरे वैल्यू यहाँ पे 3.88 आया, और बाद में मैंने इसको यहाँ पर किया तो वो भी मेरे पास मैनुअली, जब मैं यहाँ पे एज ए फॉर्मूला करके भी दिखाया आपको, कैलकुलेट करके भी दिखाया, तो वो भी यहाँ पे 3.89 आया। सेकेंड स्टूडेंट का 3.09 यहाँ पर आया मैनुअली, और हम लोग यहाँ पे सेकेंड स्टूडेंट का देखेंगे तो यदि मैं इसको यहाँ वन करके फिर से रन करूँ तो ये भी वही आना चाहिए यहाँ पर, कितना फर्स्ट है ना 3.09 आया था यहाँ पर
यस देखिए 3.09 यहाँ पर आया था, तो कैलकुलेशन में भी और ऊपर हम लोग जब प्रिडिक्ट कर रहे हैं अपने कोड के थ्रू, तो भी वो वैल्यू सेम टू सेम मैच कर रही है। तो मैंने यहाँ पर आपको प्लॉट को भी करके दिखाया और हम लोगों ने यहाँ पे लाइन ऑफ स्लोप को भी हाईलाइट करके दिखाया। ये जो मेरी लाइन ऑफ स्लोप है इसको मैं आगे यूज़ करके अपने AI में यूज़ करके अपने मशीन लर्निंग मॉडल को यूज़ करते हुए अपने AI में प्रिडिक्टिव एनालिसिस बना लूंगा। वैसे ही मैंने यहाँ पर M और B की वैल्यू को फाइंड किया इस पूरे के पूरे लाइन में। M की वैल्यू कितनी है यहाँ पर एक बार आपको मैं रन करके दिखा देता हूँ। M की वैल्यू है यहाँ पर 0.55 जो आपको यहाँ पे शो रही है। इसको मैंने M को एज इक्वल टू M करके स्टोर कर लिया क्योंकि मुझे कैलकुलेशन में यहाँ पे यूज करना था M। और यहाँ पर मैं क्या किया, इंटरसेप्ट की लाइन को भी निकाल लिया जो है -0.89, इसको भी मैं यहाँ पर जो है बी के अंदर स्टोर कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने कैलकुलेट करके देखा अपने स्लोप को, जो इसका फॉर्मूला होता है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा क्या आज का हमारा टॉपिक। आज से हम लोगों ने एल्गोरिथम स्टार्ट कर दिया है और आज का हमारा टॉपिक था लीनियर रिग्रेशन। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास है डे नंबर 24 की क्लास, इसमें हम लोग आगे का टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। लीनियर रिग्रेशन से रिलेटेड ही कुछ होगा, उसके बाद हम लोग आगे और बढ़ेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग डेटा क्यूरियस माइंड के लिए आप अपने टॉपिक को सजेस्ट करो, मुझे नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको कवर अप कर लेंगे। आज की क्लास में हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को स्टार्ट करें। जब भी मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को स्टार्ट किया जाता है तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन से ही स्टार्ट करने की हर कई सारे टीचर्स की यहाँ पे हैबिट्स होती है। ये हैबिट इसलिए भी होती है क्योंकि इजी टू यूज होता है, इजी इंप्लीमेंटेशन होता है और बहुत जगह यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर लीनियर रिग्रेशन को हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया, नेक्स्ट क्लास में भी हम लोग इसको कंटिन्यू करते हुए आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग यहाँ से मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम को पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। अब आपको यहाँ से थोड़ा मैथमेटिक्स की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, थोड़ा सा आपको टाइम, अब हमारी जो क्लास का टाइम है वो भी इंक्रीज होता जाएगा और आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स के साथ साथ एडवेंचर चीज़ें भी देखने के लिए मिलेगी। अभी तो केवल ये एक शुरुआत है, हम लोगों ने यहाँ पर केवल और केवल अभी फंडामेंटल्स को भी क्लियर करते हुए आए हैं और अब हम लोग यहाँ से जो स्टार्ट कर रहे हैं अपने एल्गोरिथम को बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज की हमारी क्लास को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं। कोई भी आपको क्लास से रिलेटेड डाउट है तो आप इस नंबर पे हमारे सपोर्ट टीम नंबर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको इंस्टाग्राम में, आपको हमारे लिंक्डइन पे मैं और मेरी टीम अवेलेबल हो जाएगी, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे। आप चाहें तो हमारे को व्हाट्सएप या फिर टेलीग्राम के थ्रू भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप सपोर्ट का भी ऑप्शन मिल जाएगा। आपके पास कोई भी डाउट है आप कमेंट बॉक्स में जाकर आप दिए। आप वीडियो को यूट्यूब के अंदर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में आप, ऑब्वियसली बात है आप देख ही रहे होंगे यूट्यूब में, तो कमेंट बॉक्स में भी आप पूछ सकते हैं। होता क्या है ना कि कई बार हमारे जो डाउट टीचर्स होते हैं या फिर मैं भी होता हूँ, बहुत सारे कमेंट्स होते हैं उसके सटीक आंसर नहीं दे पाते हैं। उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन को यूज़ करना चाहिए, जिसमें हमारे पास डिस्कशन फोरम है जहाँ पर आप अपने कोडिंग के स्क्रीनशॉट्स को डाल सकते हो। कोई भी आपको प्रॉब्लम है आप उसको वहाँ पे डाल सकते हो डिस्कशन फोरम में। कई हमारे डाउट टीचर्स हैं, कई सारे हमारे स्टूडेंट्स हैं जो एक दूसरे के बीच क्वेश्चन के आंसर वहाँ पे दे पाते हैं, तो एक बहुत अच्छी कम्युनिटी हमारी बिल्डअप होते जाती है। तो आप अच्छे यूजर एक्सपीरियंस के लिए एप्लीकेशन और वेबसाइट को यूज़ करें। आज की क्लास का जो आपको डेटा सेट का लिंक है ये आपको गिटहब में मिल जाएगा, जो हमारे इंटरनेशनल कई सारे स्टूडेंट्स हैं जो यदि हमारे एप्लीकेशन और वेबसाइट को लॉगिन करने में यदि हमको कोई इशू आ रहा होगा तो डेटा सेट जो है आप गिटहब से ले सकते हैं। साथ ही साथ ये जो नोट्स आपको मिल रहा है, ये नोट्स आपको मैं जो है हमारे एप्लीकेशन में और वेबसाइट में अवेलेबल करा दूंगा। आपको जाना है फ्री कोर्स में एनरोल करना है, एनरोल करने के बाद आपको प्लेलिस्ट पे जाना है और हर एक प्लेलिस्ट पे हर एक वीडियो के साथ उसके डे का नोट्स आपको वहाँ पे मिल जाएगा। तो हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में डे नंबर 24 की क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिए द स्केल के साथ।